So, hello everyone, welcome back to my channel, Mrs. Imagine's Nation. So, क्या आपने कभी डैगनोला कैंडी इनो से बनाई है? आई मीन लोग इतने वैरायटी बनाते हैं लेकिन सब बेकिंग सोडा डालते हैं, लेकिन मैंने आज शुगर में डाला इनो एंड आई जस्ट वॉन्ट शो यू ऑल वट वॉज द रिएक्शन. मैं खुद इतना एक्साइटेड थी कि ये कैसे होगा, क्या होगा और कैसे दिखेगा. सो एज यूजली मेरी शुगर में लग गई थी आग, क्योंकि ये वाली गैस बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने नाइफ से इसे मेल्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी. और सॉरी गैस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी नहीं सॉरी वॉइस नहीं, आप ये तो मेरी फर्स्ट वॉइस रिवील वीडियो है. तो गाइज, ये मेरी फर्स्ट वॉइस रिवील वीडियो है. फेस रिवील के लिए आपको मेरे को सब्सक्राइब करना होगा. तो जैसे ही मेल्ट हुई, मैंने इनो डाल दिया और इसका समहाउ कलर ना डैगनोला कैंडी की तरह ही हो गया था, मतलब उससे थोड़ा सा लाइट और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया था. मतलब मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना फ्लफ़ी हो गया. हमारा कैमरा हिल गया. उसके बाद मैं ट्रे लाई, इसमें थोड़ा सा वाटर लगा दिया और फिर से डाल दिया. देखो कितना अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी ठीक ठीक था. अच्छा, मैं आपको एक हैक बता दूँ. डैगनोला कैंडी में ना मेटल या कुछ स्टील ग्लासेस या कोई भी अपना यूटेंसिल सिरामिक में ना थोड़ा सा वाटर लगा के डैगनोला कैंडी को ना रखोगे और शेप वगैरह दोगे ना, स्टिक नहीं होगी. बेकिंग सोडा के साथ करो. इन होगा मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि मैं अभी कर ही रही हूँ. तो मैंने ग्लास से डाली, मस्त शेप आ गई. वो छोटू वाला तो करन, लेकिन उसके बाद थोड़ा उभर गया. फिर मेरे को शेप देने के लिए यही मिला, घर में और कुछ मिला ही नहीं मेरे को उस टाइम, तो मैंने ये यूज़ कर लिया. इसमें भी मैंने वाटर लगा दिया था, आप थोड़ा सा देख सकते हो मेरा हैंड्स वेट है. तो मैंने दोबारा डाली, मुझे पता नहीं कि फर्स्ट टाइम लगा कि यार अच्छे से शेप नहीं आएगी. उसके बाद ना ये ऊपर उभर गया, इतना फ्लफी हो गया था ना, मैं तो बार बार ऐसे छेड़ रही थी. इट वॉज सो सैटिस्फाइंग, आई लव्ड इट. एंड गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर देना यार मैं कौन कौन सी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ आपके लिए. सो मैंने ट्राई करा, लेकिन ना इसके जो नीचे का एरिया था ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इनो निकल रहा था. वहाँ पे ना इनो और बहुत लिक्विड टाइप हो गया था. तो मैंने स्क्विड गेम को फिनिश करा एंड यस, आई वॉन द स्क्विड गेम. फिर उसके बाद अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ये ना यार ठीक ही ठीक था. ये आप देख सकते हो इसके अंदर ना ये पूरा खोखला हो गया था अंदर से, एकदम वाटरी. आप देख सकते हो मेरे फिंगर्स में एकदम वाटरी लिक्विड सा कुछ हो रहा था, ठीक है. और अगर टेस्ट की बात करें, हमें वही कह रही थी, टेस्ट ना इसका यार ठीक ही ठीक था, काफ़ी खट्टा था. हाँ, लेकिन जो डैगनोला कैंडी बनाते हैं ना नॉर्मल बेकिंग सोडा से, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे को, उससे थोड़ा बेटर था. लाइक वन टाइम ट्राई कर सकते हो, मुझे ठीक ही ठीक लगा. बस अब क्या करूँ मैं, तो बस इसे छुपा कर बर्तन धुलाऊँगी. और ये फेल था, मतलब ठीक ही ठीक था, फेल भी नहीं कह सकते. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.